एक और आज अपनी टेस्टामनी देना चाहता हूं। हाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ, हाँ आ जाओ सारे आ जाओ। हाँ तो हाँ इस साइड खड़ो। हाँ ओके, हाँ ठीक है ठीक ओके। तो जब मेरी शादी हुई थी, क्या हुई थी शादी, तो शादी के बाद जब परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया बेबी के साथ, तो 3 महीने का ये टाइम था, 3 महीने का टाइम, और सब कुछ अच्छा था। और एकदम 3 महीने का टाइम और सब कुछ अच्छा चल रहा था, और एकदम ऐसे ब्लीडिंग आना शुरू हुई। और इन्होंने मुझे ऐसे बताया, तो जिस नर्स के पास हम गए थे, तो हमने उससे पूछा, ऐसे कॉल की कि ऐसे ऐसे कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो कहते हैं ऐसे होना नहीं चाहिए, अभी तो सब कुछ अच्छा था। उनने कहा ठीक है आप मेरे पास आना और चेक कराना। हाँ और जब हम उनके पास गए, वो संडे का दिन था जैसे आज है, तो जब उन्होंने हम गए और अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने कहा आप एक अल्ट्रासाउंड कराओ। तो हमने कहा आज से 15 दिन पहले आपने ये अल्ट्रासाउंड कराया था, अब क्या जरूरत है। तो कहते नहीं प्लीज आप कराओ। जब हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए दोनों गए, और क्या हुआ कि जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, तो बेबी मिसकैरेज, मतलब डेड। क्या था बेबी? बेबी डेड था। और मैंने जब रिपोर्ट देखी, मैंने रिपोर्ट तो देख ली, तो मैंने इसे बताया कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। तब हम वापस उस नर्स के पास गए और उसको रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने कहा कि सॉरी, हाँ ये बच्चा डेड है, और आज इसे मरे हुए ऐसे 3 दिन हो चुके हैं, मतलब पेट में इसे डेड हुए 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन। तो उन्होंने कहा कि इमीजिएंटली तुरंत इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन हो गए बेबी को डेड को, इनकी जान को खतरा है। और मैंने कहा ठीक है, ऑपरेशन के कितने पैसे? तो उन्होंने कहा कि 4,000 रुपया। फिर उन्होंने कहा कि आपका पहला बच्चा है, इसलिए अब ठीक है आप 3,000 दे दो। और तब 3,000 रुपये मेरी जेब में थे, और मैंने झूठ बोला, मैंने कहा ठीक है हम पैसों का इंतजाम करके आते हैं, और हम चले गए। तो हम सीधा संगति में गए, और जब हम संगति में पहुंचे, तो वहां पे दान हो रहा था। दान क्या हो रहा था? तो दान हो रहा था, और वो पैसे मैंने 3,000 निकाल कर सारे के सारे दान वाली थैली में डाल दी, और मैंने कहा परमेश्वर आप सब कुछ क्या है अच्छा कर चुके हो, क्या कर चुके हो, अब सब कुछ अच्छा कर चुके हो। तो हमने विश्वास किया। क्या किया? मैंने अपनी मिसेस को भी कहा विश्वास करो, कुछ नहीं है। वो जो रिपोर्ट थी, वो भी हमने वही क्लिनिक के बाहर ही फाड़ कर उसे फेंक दिया, और वो पैसे भी डाल दिए, और फिर हम विश्वास में बने रहे कि परमेश्वर सब कुछ अच्छा कर चुका है। हाँ जैसे आज का तीसरा दिन, तो 3 दिन, और आज तीसरी जो रात है, हाँ ये निकली, और उसके बाद चौथी रात आई, और चौथी रात में इतनी ज्यादा ब्लीडिंग, इतनी ज्यादा, जब इन्होंने ऐसे मुझे दिखाया तो मैं एकदम डर गया, बहुत ज्यादा ऐसे। तब मैं बिल्कुल नया था प्रभु में, क्या था? बिल्कुल नया था। मुझे अभी ज्यादा समय तो नहीं हुआ, क्योंकि शादी से 3 महीने पहले, 3 या 4 महीने पहले मैं प्रभु में आया था। अभी 4 महीने और 7 महीने का मैं मसीह था। कितने टाइम का? सिर्फ 7 महीने का मसीह। तो जब मैंने ऐसे देखा तो मैं डर गया। सुबह हमने अपनी फैमिली से बात की कि ऐसा ऐसा, मतलब हमने तो विश्वास किया। वो कहते कोई बात नहीं है, विश्वास, हाँ हाँ कोई नहीं है, परमेश्वर अच्छा करेगा। अभी तो अबॉर्शन, क्योंकि एक ही ऑप्शन बस बची थी, क्योंकि वो चीज़ हुई नहीं, क्योंकि हालत ज़्यादा खराब है, तो अभी ऑपरेशन की एक ऑप्शन बची कि अपने ऑपरेशन करवाना है। तो अभी वो जो पैसे थे ऑपरेशन, मैंने सारे डाल दिए। तो मैंने अभी
मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं, क्योंकि मेरे पास सिवाय उस 3,000 के 10 रुपए भी मेरे पास नहीं थे। तो क्या हुआ कि जब जी सुबह हमने जाना था, हमारी फैमिली वाले ने और इन्होंने ये तैयार हो रहे थे और मैं बैठा हूं, हमने 10 बजे सुबह निकलना था और मैं बैठा हूं कि परमेश्वर आपको पता है, हाँ ऐसे नहीं कि मैंने मन खराब किया, क्या किया, मैं बैठा हूं आराम से, परमेश्वर आप जानते हो आगे क्या होना है, अगर अबॉर्शन होना तो कोई बात नहीं, जो तेरी इच्छा है, जैसे तू तुझे अच्छा लगता है मैं करने के लिए तैयार हूं। ये तैयार होने मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, ना मैंने अपनी फैमिली से, ना मैंने अपनी सॉरी फैमिली से किसी को कहा, और मैंने अपना विश्वास अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा कि परमेश्वर मैंने किसी से नहीं कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब इस तू जानता और इसका इंतजाम भी तू करेगा। और ऐसे मैं बैठा था और मुझे फोन कॉल आई एक, जो मेरा खुद का अपना काम था, उन्होंने मुझे बुलाया और ऐसे जब मैं उस कस्टमर को मिला और सारा काम कुम देखा और सब कुछ तय हो गया, और अभी उन्होंने खुद मुंह से बोला कि आपको कुछ एडवांस तो नहीं चाहिए, मैंने नहीं मांगा, तो मैंने ठीक है जो आपकी इच्छा है, कहते कितने, मैंने कहा जितनी आपकी इच्छा दे दो, तो वो कहते ठीक है, नहीं आप बताओ, वो अंदर से वो 3,000 रुपए लेकर आए और उन्होंने मुझे दे दिया। हाँ सबसे पहले तो मैंने उन 3,000 से इनका वो अबॉर्शन कराया, बाद में मैंने मन नहीं खराब किया कि परमेश्वर मैंने पैसे डाले तूने काम नहीं किया, आज से मैंने तुझ पर विश्वास नहीं करना, मैंने तेरे साथ नहीं चलना, तू सही नहीं है, मैंने इतना बड़ा विश्वास किया तुझ पर, इतना भरोसा रखा और तूने कुछ भी नहीं मेरे साथ किया, तो मैंने मन नहीं खराब किया, जैसे आजकल लोग मन खराब करते हैं। और मैं उस स्थिति में बना रहा तो परमेश्वर ने उसी मंथ में पैसों से मुझे बहुत ब्लेस किया, उसी मंथ में, और साथ में उसी मंथ में परमेश्वर ने मुझे फिर बेबी के साथ ब्लेस किया और आज ये दोनों बच्चों की आशीष किसने दी है बोलो, आज ये किसने दी है दोनों बच्चों की आशीष। सुनो, जब जी प्रेग्नेंट थी तो जब अबॉर्शन हुआ तो छोटा बच्चा था बना, तो हमने नर्स से पूछा क्या है, वो कहते बेटी है, बेटी क्या थी, बेटी थी, परमेश्वर जानता है कि हो सकता गलती से उसने मुझे बेटी की आशीष देनी थी और पेट में बेटी आ गई इसलिए ये काम हुआ, अगर मैं परमेश्वर के प्लान को ना समझता और शरीर में होता तो मैंने अपना नुकसान करना था, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन का नुकसान करते हैं शरीर में आकर, गुस्से में आकर, और मैंने ऐसे नहीं किया क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान होता है, जैसे यूसुफ बचपन में बेचा गया और एक दिन मिस्र का राजा बना, और ऐसे ही परमेश्वर जैसे उसने मुझे ब्लेस इन दो बेटों से किया वो हर एक को करेगा, और यूसुफ जैसे हाँ जो बचपन में बिक गया और बचपन में उस पर कितना बड़ा हालात दुख आ गया, पर एक दिन उसने उसे मिस्र का राजा बनाया, राजा, और ऐसा ही जो लोग उसके साथ जिएंगे प्रेम से विश्वास के साथ मन खराब करके नहीं, वो इस दुनिया में चमकेंगे, मैंने कहा वो इस दुनिया में चमकेंगे यीशु मसीह के नाम से, और ऐसा होगा हर एक के साथ होगा जो उसके लिए जिएगा। आमेन, हालेलुया, ओके।